आवाज मिल रही है? नमस्ते सर, मिल रही है। हाँ नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो हम लोग पिछले दिन रिलेशन पे चर्चा करना शुरू किए थे। कुछ दिन चर्चा करने के बाद नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे रिलेशन आपको इच एंड एवरी इक्विपमेंट में आने वाले हैं। क्योंकि ये रिलेशन RDSO की डिमांड है, हमको इतना, उसकी जो ड्राफ्ट होते हैं उस ड्राफ्ट पे डिमांड है, मुझे इतना चाहिए। अब आप इसे आइदर इंटरफेस के रूप में दीजिए या लॉजिक बिट में डालिए, लेकिन हम, मुझे चाहिए। तो 10 रिले पिछले दिन 9 तक हम लोग चर्चा किए थे, TGTNR, TCFR, XR की। नेक्स्ट कुछ रिलेज हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं। दिस इज द CNR, ये बटन रिले है। बटन रिले दैट मीन्स की नॉन मेटल रिले होती है। अगर आप मेधा और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो वहां पे ये आपको लॉजिक बीट के रूप में मिलेगा, ठीक है? जो लॉजिक इंटरफेस रिले के रूप, इंटरफेस सॉरी बोलते हैं, लॉजिक सर्किट में लॉजिक रिले के रूप में मिलेगा। नॉर्मली दिस इज द बटन रिले। जब आप कैंसिलेशन बटन दबाते हैं तो CNR पिकअप होती है, QN1 टाइप की 8F8B रिले है। जब आप बटन दबाएंगे तब ये पिकअप होगा, नॉर्मली ड्रॉप रहेगा। जब जब बटन प्रेस करेंगे तो CNR आपकी पिकअप होगी, ठीक है? पिकअप्स ऑन प्रेसिंग ऑफ द कैंसिल पुश बटन एल्स ड्रॉप। सिंपल सा फंडा है, बटन आपने दबाया, जितना देर पुश करके बटन को रखेंगे उतना देर वो पिकअप रहेगा, नहीं तो बंद होगा। दो रिलेज हम लगाते हैं, दिस इज द FR1 एंड FR2। पहले क्या था, आज के पहले हम लोग क्या करते थे, फ्लैशर रिले लगाते थे। दो टाइप के फ्लैशर रिले, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैशर आता था, उसके पहले वो पारा मरकरी वाली फ्लैशर आती थी कि जब आप रिले रूम के अंदर घुसे तो खटखट खटखट चलता रहता था, हम लोगों ने देखा है। अभी तो नहीं दिखता, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैशर हो गए, या फिर अब ये कंसेप्ट आ गया, हम FR1 FR2 लगाते हैं। सिंपल सी सर्किट होती है, कोई सर्किट नहीं, एकदम एकदम सिंपल सी होती है। आप किसी भी जगह पे, चाहे LC गेट में बनाइए या कहीं भी बनाइए, आप अपने फ्लैशर सर्किट इजी वे बना सकते हैं। दो रिले ले लीजिए, एक को FR1 नाम दे दीजिए और दूसरे का नाम FR2 डाल दीजिए। दोनों की निगेटिव को कॉमन कर दीजिए, खत्म हो गई कहानी, ये बन गया। इधर जो भी सिलेक्शन लेना है, जो भी सिलेक्शन आपके FR1 FR2 पिकअप होने के लिए, फ्लैशिंग सर्किट होने के लिए जो भी सिलेक्शन सर्किट चाहिए आपने ले लिया, और FR1 को पिकअप होने के लिए FR2 की ड्रॉप कॉन्टैक्ट को डाल दिया। FR2 की ड्रॉप कॉन्टैक्ट को डाल दिया, तो जैसे ही, अभी तो ये भी ड्रॉप है, नॉर्मली ये भी ड्रॉप है, इधर से आई FRT की ड्रॉप कॉन्टैक्ट से FR1 पिकअप हो गया। जैसे ही FR1 पिकअप हुआ, FR2 के कॉन्टैक्ट में आप FR1 की पिकअप कॉन्टैक्ट को डाल दिए। अब आप सीक्वेंस समझिए, इधर से फीड आया, नॉर्मली FR2 ड्रॉप था, FR1 पिकअप था। पाथ इधर नहीं जाएगा, पाथ इस पे आएगा, आके FR1 को पिकअप कराया। वंस योर FR1 इज पिकअप, आपकी क्या होगी कि FR1 पिकअप होने के साथ ही ये कॉन्टेक्ट मेल हो जाएगा। बट एक समय रहेगा उस पीरियड में, जिस टाइम में जैसे ही फीड FR2 के बैक कॉन्टेक्ट से FR1 में आया, FR1 पिकअप होना चाह रहा है, पिकअप होना चाह रहा है, तो FR1 पिकअप हो गई। पिकअप होने के बाद FR1 का पिकअप कॉन्टेक्ट मिला और FR2 का पाथ जो है बैक की तरफ। बट उस पीरियड में कुछ समय के लिए आपका ये, जब ये पिकअप हो रहा है, तो जब ये पिकअप हो रहा है तो पिकअप होने के टाइम में जितनी देर ये पिकअप होगा, FR2 ड्रॉप कॉन्टेक्ट ये मिलता रहेगा, तो जैसे ही ये पिकअप होगा, इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से FR2 आपकी पिकअप होने लगेगी, FR2 पिकअप होने लगेगी। उस पीरियड में FR2 को पूरा पिकअप होने तक ये FR1 का पिकअप कॉन्टेक्ट चाहिए, लेकिन जैसे ही FR2 पिकअप होने लगेगी तो इमीडिएट कुछ मिली सेकेंड में इसका बैक कॉन्टेक्ट कट जाएगा, लेकिन फ्रंट कॉन्टेक्ट मिलेगा नहीं। तो बैक कॉन्टेक्ट कटने से FR1 गिर जाएगा, FR1 गिरेगा तो क्या होगा कि फिर आपका ये पाथ कट जाएगा, FR2 गिर जाएगा, FR1 पिकअप आ जाएगा। दैट मीन्स कि FR2 को पिकअप होने का मौका नहीं देगा। उसके लिए आपको FR1 को स्लो टू रिलीज करना पड़ेगा, स्लो टू कुछ डिले डालना पड़ेगा 0.4 सेकंड, मतलब एक रिले का बैक कॉन्टेक्ट से फ्रंट कॉन्टेक्ट मेक होने तक का समय मिलना चाहिए। कि जब आपकी FR1 पिकअप हो गई है, ठीक है, अब FR1 पिकअप होने के बाद जब FR2 को फीड जाएगा, तो जब तक FR2 मेरी पिकअप नहीं हो जाती है,
बैक कॉन्ट्रैक्ट कटने के बाद भी एफ आर वन ड्रॉप नहीं करे, फिर जब एफ आर टू मेक हो गया मेरा तो फिर एफ आर वन ड्रॉप करेगा। एफ आर वन ड्रॉप करने से ही आपका ये पाथ कट जाएगा, ये पाथ कटने से एफ आर टू ड्रॉप करेगा, एफ आर टू ड्रॉप करते ही फिर ये पाथ मिल जाएगा, एफ आर वन पिकअप कर जाएगा, और ये एफ आर वन एफ आर टू चैटरिंग चलती रहेगी। इसके चैटरिंग एफ आर वन एफ आर टू कॉन्टेक्ट से आप क्या करते हैं, इसमें दो तीन इंडिकेशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका टीजीटी का इंडिकेशंस है, टीपीएस टीसीएफ का इंडिकेशंस है, कैंसिलेशन के टाइम इंडिकेशंस है। तो कुछ मीन टाइम ऐसे होते हैं जो वो ना तो लाइन क्लियर पोजीशन है ना तो लाइन क्लोज पोजीशन है, आइदर आप लाइन क्लियर ऑब्टेंड कर रहे हैं, आइदर आपकी लाइन क्लियर कैंसिलेशन हो रही है। इन सब पीरियड में कुछ समय के लिए आपकी जो इंडिकेशंस है वो फ्लैशिंग में रहेंगे। मैक्सिमम फ्लैशिंग रहने का टाइम है जब आप कैंसिलेशन करते हैं, दैट टाइम 120 सेकेंड, एंड नॉर्मली बाकी अपने सीक्वेंस पे है कि जब गाड़ी गई, बजर बजा दिए, फ्लैशिंग बंद हो गया, आपके एडवांस कैंसिल कर सर दिए रिसीव। जी सर सर एक बार ऐसे बताना जरा, ये FR1 FR2 जो कॉन्टेक्ट हैं, तो जी इसमें रिलेटेड को F, ये R1 में R1 में ये जा रहा है FR2, और इसमें हाँ R2 में FR1 जा रहा है, यही बोल रहे हैं ना कॉइल के दोनों एंड पे। हाँ ये आर वन आर टू है, दैट पॉइंट इज द आर वन आर टू। सर इसको फिर से बताइए तो, FR1 FR2 का पूरा जो बताएं अभी। एक सर्किट ले लीजिए, सर्किट ले लीजिए, आर वन इसका रिले क्वायर, आर वन इसका किनका माइक ऑन है बंद कर लीजिएगा। तनुज जी आपका बंद है, ऑन है लगता है। हाँ सर बंद कर लीजिएगा, दूसरे डिस्टर्ब होगी। तो ये R1 हो गई एफ आर वन रिले का, और वो R2 क्वाइल हो गया। R2 क्वाइल में नॉर्मली निगेटिव डालते हैं, तो उसमें निगेटिव हमने डाल दिया। एक और रिले लेंगे, और ये रिले नॉर्मली एटेपेडवी QN1 होती है, QN1 टाइप, एक सिंपल सा कोई न्यूट्रल रिले है। दूसरा आपने एक और रिले ले लिया, दिस इज द एफ आर टू, नाम देते हैं सिर्फ एटेपेडवी QN1 टाइप, R1 इसका या R2, निगेटिव दोनों का कॉमन कर दिया, दिस इज द एंड पॉइंट G4। इधर से जो V24 आ रहा था, V24 आ रहा था, तो एफ आर वन एफ आर टू आप पिकअप कराएंगे, तो पिकअप कराने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो पिकअप होगा, दो तीन कंडीशंस हैं, जब ट्रेन आ रही है या कैंसिलेशन हो रहा है या कुछ और बात है, तो दैट टाइम में हम लोग, ये डबल एरो का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये सिलेक्शन सर्किट, जो भी आपका लॉजिक कहता है आपने सिलेक्शन सर्किट अपना ले लिया है। अब इस सिलेक्शन सर्किट से जब 24 वोल्ट आएगा तो एफ आर वन को पिकअप करा देगा। हमारा मोटो क्या है, फ्लैशिंग का मोटो है कि नॉर्मली दोनों ड्रॉप रहेगा, दिस इज द केस वन। केस टू एफ आर वन पिकअप होगा, एफ आर टू ड्रॉप रहेगा। केस थ्री एफ आर वन ड्रॉप होगा, एफ आर टू पिकअप होगा, और ये दोनों रिपीट होता रहेगा। जब भी इसके अंदर वोल्टेज आ गई, अनलेस एंड अंटिल ये सिलेक्शन सर्किट पूरा हो गया, जो लॉजिक है, जो भी इंटरफेस है, वो जब कंडीशंस प्रूफ हो गई, यहाँ पे 24 वोल्ट DC की एंट्री हो गई, तो जब तक ये 24 वोल्ट DC अवेलेबल है, यानी कंडीशंस इज इन फेवरेबल ऑफ फ्लैशिंग, दैट टाइम तक ये FR1 FR2 पिकअप ड्रॉप पिकअप ड्रॉप पिकअप ड्रॉप होते रहता है। तो नॉर्मल कंडीशंस क्या है, बोथ आर ड्रॉप। तो सबसे पहला रिले पिकअप कराने के लिए हमको ड्रॉप कॉन्टेक्ट लेना होगा, देन FR1 पिकअप करा रहे हैं, तो हियर ड्रॉप कॉन्टेक्ट ऑफ एफ आर टू, ड्रॉप कॉन्टेक्ट ऑफ एफ आर टू, एफ आर टू का ड्रॉप कॉन्टेक्ट से एफ आर वन को पिकअप करा दिए, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों ड्रॉप था, ड्रॉप आपको मिलेगा, एफ आर वन पिकअप हो गया है, कोई इशू नहीं। एफ आर वन जैसे ही पिकअप हो गया, हमारा जो मोटो है, हमारा जो जरूरत है, वो कहता है कि एफ आर वन जब पिकअप हुआ, एफ आर टू ड्रॉप है, तो जस्ट फिर सिचुएशन बनाओ कि एफ आर वन ड्रॉप हो जाए और एफ आर टू पिकअप हो जाए, और फिर ये दोनों दो तीन पार्ट दोहराते चलते रहे। तो हमने क्या किया, एफ आर टू के ड्रॉप से एफ आर वन पिकअप हुआ, जैसे ही एफ आर वन पिकअप हुआ, एफ आर टू के पहले, नॉर्मली हम लोग इसको यहां से लेते हैं ऐसे करके, ये आर्म ले रहे हैं आप, यहां से लेंगे, यहां से लाके एफ आर वन का पिकअप कॉन्टेक्ट की कंडीशन डाल दी,
मान लीजिए ये कॉन्टेक्ट ड्रॉप लिए थे ए फाइव ए सिक्स और ये कॉन्टेक्ट दे दिया इसमें ए वन ए टू, ठीक है। तो ये ए फाइव ए सिक्स ड्रॉप मिला उस टाइम में एफ आर वन पिकअप हो गया, वंस एफ आर वन पिकअप ये कॉन्टेक्ट मेक हो गया इसका, जैसे ये मेक हुआ इसको 24 वोल्ट पहुंच गया एफ आर टू पिकड अप, वंस योर एफ आर टू पिकड अप ये पाथ ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो बैक कॉन्टेक्ट आपने लिया ना, जैसे ही एफ आर वन पिकअप होगी ये बैक कॉन्टेक्ट कट जाएगा उसका, और बैक कॉन्टेक्ट जैसे ही कट जाएगा आपका ये रिले ड्रॉप कर जाएगा, तो एफ आर वन का जैसे ही पाथ मिलाएंगे आपके एफ आर टू पिकअप हो गई। तो जो आपका मोटो था सर्किट बनाने का, जो आपकी जरूरत थी एफ आर वन पिकअप तो एफ आर टू ड्रॉप, और फिर एफ आर वन को ड्रॉप कराए तो एफ आर टू पिकअप हो जाना है, और ये सिक्वेंस रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहे। हमने सीक्वेंस को यहां रिपीट करा लिया ना, एफ आर टू ड्रॉप ए फाइव ए सिक्स द बैक कॉन्टेक्ट है एफ आर टू का, इसकी ड्रॉप से लेके एफ आर वन को पिकअप कराया, वंस एफ आर वन पिकअप उसकी ए वन ए टू कॉन्टेक्ट लेके एफ आर टू पिकअप करा दिया, वंस एफ आर टू पिकअप ये ड्रॉप कॉन्टेक्ट जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ड्रॉप कॉन्टेक्ट उसको मिलेगा नहीं, ये तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक होगी एफ आर वन गिरेगा, एफ आर वन जैसे ये ड्रॉप होगा ये पाथ ब्रेक हो जाएगा, तो ये पाथ भी ब्रेक हो गया एफ आर टू ड्रॉप होगा, एफ आर टू ड्रॉप होगा ये पाथ मिल जाएगा एफ आर वन पिकअप हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी अनलेस एंड अंटिल ये 24 वोल्ट अवेलेबल रहेगा। दिस इज द फ्लैशर सर्किट सिचुएशन। एक गड़बड़ बनती है, क्या गड़बड़ बनती है कि ये जो दो कॉन्टेक्ट है एफ आर टू ड्रॉप और एफ आर वन पिकअप, सॉरी एफ आर टू ड्रॉप और एफ आर वन पिकअप, एक समय ऐसा रहेगा जब ना तो ये मेक रहेगा ना तो ये मेक रहेगा, वो टाइम रहेगा ऑपरेशनल टाइम। सोचिए थोड़ा सा, ये तो पहले से ड्रॉप था, ये मिलेगा एफ आर वन पिकअप हो गया, जैसे ही एफ आर वन पिकअप हुआ ये पाथ मेक हो गया, वोल्टेज इधर चली जाएगी, इधर जैसे ही वोल्टेज आया तो एफ आर टू मेरा पिकअप हो गया, एफ आर टू पिकअप होने के साथ ये पाथ तो ब्रेक हो गई। अब जैसे ही एफ आर टू पिकअप हुआ ये पाथ ब्रेक हो गया, एफ आर टू पिकअप हुआ ये पाथ ब्रेक हो गया, तो एफ आर वन ड्रॉप कर जाएगा ना, तो एफ आर टू भी ड्रॉप है क्योंकि एफ आर टू पिकअप हुआ है, पिकअप होने के साथ ये ब्रेक होगा, लेकिन पिकअप होने में कुछ टाइम लगता है, मान लीजिए 150 मिली सेकेंड लग रहा है, ब्रेक कॉन्टेक्ट जो ब्रेक ड्रॉप कॉन्टेक्ट मेक था इसको ब्रेक होने में लगा 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, तो ये 10 मिली सेकेंड और 150 मिली सेकेंड का जो 140 मिली सेकेंड डिफरेंस है, इस समय में ये तो ब्रेक जो कॉन्टेक्ट था ये ऊपर सिर्फ उठा लेकिन एफ आर वन तो मिला नहीं, यानी दोनों ना तो एफ आर वन ही मिला ना एफ आर टू का पिकअप ही मिला, और ये फिर एफ आर टू के कंडीशन में भी ऐसा ही होगा कि जब एफ आर वन ड्रॉप करेगी तो ना तो एफ आर वन का कॉन्टेक्ट मिला ना एफ आर टू मिला, उस पीरियड में इसको थोड़ा सा स्लो टू रिलीज बना देता है। तो स्लो टू रिलीज बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक डायोड लगा दीजिए, सिर्फ 4007 का एक डायोड लगा दीजिए, 4007 का एक डायोड लगा दीजिए, काफी, उतना काफी है, उससे अधिक चाहिए नहीं, ठीक है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एफ आर वन एफ आर टू। जी अरविंद जी, क्लियर हुआ या और कुछ डिटेल करें इसको? डायोड लगाया आपने जी, जी बोलिए। डायोड लगाया सर आपने, डायोड से मतलब जो हमें टाइम गैप मिल रहा था वो मिली सेकंड में वो नहीं मिलेगा? नहीं, डायोड का दो काम होता है, देखिए हम किसी आप देखेंगे आपकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सर्किट है, जो ईआई का हो या एक्सेल काउंटर का, आपने वीआर ले रहा है, जितने भी आपने ले रहा है, आप देखेंगे उसमें हर एक रिले के R1 R2 के साथ एक फॉरवर्ड बायस डायोड लगा देते हैं, जो इधर से इधर आने तो देगा बट इधर से इधर आने नहीं देगा, जो कौन सा डायोड वो फॉरवर्ड बायस डी बोलते हैं शायद उसको। उसका दो काम है, एक काम तो ये है कि आपको पता है कि आपकी जो ये सिस्टम है यानी कि जो आपने यूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या रिले यूज कर रहे हैं, आपके रिले क्वाइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होती है, क्योंकि जब कोई रिले आपका परमानेंट R1 R2 में वोल्टेज पड़ा हुआ है पिकअप है,
तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी जो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल में आप भी पढ़े होंगे, 11 12th में भी, इंजीनियरिंग में तो पढ़े ही होंगे, नॉर्मली में भी एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू बैक ईएमएफ क्या होगा कि यहाँ से आपने फीड इसको दिया है और उस बैक ईएमएफ से आपका जो वोल्टेज कटा, मान लिया जाए कि हमारा रिले का ड्राइवर का क्या है, रिले ड्राइवर कार्ड ने 24 वोल्ट आउटपुट दिया तो आपके रिले के R1 R2 में फीड जाएगा और ये रिले पिकअप होगा। अब क्या है कि ये बहुत समय तक परमानेंट पिकअप था, दैट कंडीशंस में इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड हुआ था, किसी कारण से कोई हुई लाइट और वो स्पीडली अक्सर क्वांटम के ऊपर से गुजरा, छोटा सेक्शन था मान लीजिए, तो स्पीडली गुजरने के बाद क्या हुआ कि ये रिले ड्राइवर कार्ड फंक्शन तो किया, वोल्टेज ब्लॉक किया, बट ब्लॉक करने के बाद भी ड्यू टू बैक ईएमएफ इसके क्वाइल में वोल्टेज था और वीआर ड्रॉप नहीं किया, हमारी वीआर ड्रॉप नहीं किया, तो दैट टाइम में हमारा सेक्शन से गाड़ी गुजर जाएगी और वीआर रिले पिकअप होके ड्रॉप नहीं होगा। उसके लिए ऐसे कुछ सेकेंड के टाइमिंग उन लोगों ने रखा है अपने इक्विपमेंट में भी कि हमारे रिले ड्राइवर कार्ड का वोल्टेज आउटपुट बंद हुआ तो वीआर का बैक कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वो रीड बैक, मिला कि नहीं मिला, बट छोटे सेक्शन में बहुत स्पीडली गुजर जाएगी तो वो उसके लिए वो दिक्कत हो सकती है। अगर वो वीआर पिकअप हुआ तो मिसमैच हो सकता है। दैट कंडीशंस में अगर आप R1 से R2 की तरफ फॉरवर्ड बायस लगा के रखें कि R1 में पॉजिटिव है R2 में निगेटिव, ये इधर से जाने के लिए ब्लॉक कर रहा है बट आने के लिए ब्लॉक नहीं कर रहा है, दैट टाइम में जो R1 में आपने पॉजिटिव डाला है R2 में निगेटिव डाला है, ये तो इसको ये कराएगा, क्या बोलते हैं, एनर्जाइज कराएगा, बट जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो ये वोल्टेज इधर से इधर आके शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मतलब उसको नेग्लिफाई करेगी, जीरो करेगा। एक तो वो फायदा है। दूसरा फायदा क्या होता है कि आपके R1 R2 क्वाइल को स्लो टू रिलीज बनाता है और ये ऑलमोस्ट 150 से 200 मिली सेकेंड की स्लो टू रिलीज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी डायोड आप लगा देंगे तो वो इमीडिएट आपको रिले को ड्रॉप करने से रोकता है, वही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की है, जो भी के उसी कारण से उसकी कॉइल को वोल्टेज ऑलमोस्ट 150 से 200 मिली सेकेंड की स्लो टू रिलीज फैसिलिटी बनती है। तो अभी आप देखेंगे आपके जितने भी ईआई टाइप के रिलेज हैं, जो आउटपुट रिलेज यूज होते हैं, सब में वो यूज होंगे। प्लस जहां पर भी ये फीचर्स की जरूरत है कि 150 200 मिली सेकेंड हमको ड्रॉप चाहिए, वहां पर भी डायोड यूज कर लेते हैं। उससे अगर अधिक चाहिए तो फिर कंडेंसर लगाना पड़ेगा आपको। अगर उससे आपको 300 400 500 या 2 3 सेकेंड तक स्लो टू रिलीज चाहिए, जैसे हम लोग को JR में चाहते हैं ऑटो रिसेट सर्किट में, वहां 3 से 8 सेकेंड के बीच स्लो टू रिलीज चाहिए, तो फिर आपको कंडेंसर यूज करना है, बट मिली सेकेंड के लिए डायोड इज द कंफर्टेबल। ठीक है, प्रैक्टिकली यूज करते भी हैं सब जगह, तो यहाँ पर भी आपके उसमें लगे होने की संभावना रहती है, यूज करके आप कर सकते हैं। ओके, और किन्हीं को कुछ एनीथिंग? चलिए, नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास है F1 F2 आपने समझ गया। नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास है टार1। टार1 इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिले। आपके DLBI में और TLBI में नॉर्मली सब में ऐसा यूज होता था। हम लोग पहले यहाँ पे यूज करते थे फाइनल गाड़ी आई से, पर्पस ये है कि ये होम सिग्नल है आपका। दो चीजें हमने बताया था कि हमें जरूरत पड़ती है कि जब हम लाइन क्लियर दिए हैं जिस गाड़ी को आने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन मुझे पता होती है, दैट मीन्स कि डायरेक्शन इस्टेब्लिश है कि हमारी गाड़ी इधर से आ रही है, लाइन क्लियर दिया है, ये होम सिग्नल को टेकन ऑफ किया, तो होम सिग्नल टेकन ऑफ के बाद जब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो जब ये बैक लॉक ट्रैक मेरा नॉर्मल होगा तो हमारी रूट को रिलीज करने की पोजीशन बनती है, और नॉर्मली मिनिमम दूरी दिस इज द 180 मीटर, ये आपकी ब्लॉक ओवरलैप की दूरी है। तो ये 180 मीटर को डिसाइड करना है पहला बात, ब्लॉक को नॉर्मल होने के पहले कि 180 मीटर क्लियर है, और दूसरा कंडीशंस ये है कि गाड़ी इधर से ही आई है, ऐसा नहीं गाड़ी इधर से चला गया, डायरेक्शन भी इस्टेब्लिश करना है। तो हम क्या करते हैं, जो लॉजिक है हमारा, होम सिग्नल के बाद दो ट्रैक लेते हैं, नाम इसका रखते हैं ATBT, बहुत जगह T1 T2 है, ATBT भी लिखते हैं। तो ये जो ATBT ट्रैक है आपका,
ये जो एटीबीटी ट्रैक है आपका, इससे लेके आप अपने बीपीएससी में दो रिले प्रोब कब कराते हैं, एचएस एटीपीआर और एचएस बीटीपीआर। होम सिग्नल के बाद पहला ट्रैक और होम सिग्नल के बाद दूसरा ट्रैक। इसके पहले का जो हमारा सर्किट था उसमें हम लोग बनाते थे UYR1 और UYR2, वहां भी दो ट्रैक ही लेते थे, 1T1 ड्रॉप, 1T2 पिकअप, UYR1 पिकअप, फिर 1T1 पिकअप, 1T2 ड्रॉप, UYR2 पिकअप, और ये सीक्वेंस के साथ में हम ब्लॉक रिलीज करते थे। यहाँ पे सेम हमने ले लिया कि HS-ATPR ड्रॉप, HS-BTPR पिकअप, TAR1 पिकअप, और HS-ATPR ड्रॉप, HS-BTPR पिकअप, TAR2 पिकअप, इसके साथ में TAR1 पिकअप। इसको प्रूव कर लेते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। टार2 पिकअप होने का मतलब ही है कि हमारी गाड़ी फुल 180 मीटर को क्रॉस कर गई और सीक्वेंस में क्रॉस की, तो इसको हम लोग लेते हैं टार1 और टार2 रिले। QNA1 टाइप का 8F8B रिले टार1 में यूज करते हैं और QNA2 QN1 टाइप का 8F8B रिले जो सेकेंडरी रिले है, सेकेंडरी रिले है नॉर्मली, उसको हम लोग यूज करते हैं टार2 में। ट्रेन अराइवल फर्स्ट रिले पिकअप्स व्हेन कंट्रोल ऑफ रिसेप्शन सिग्नल इज रिसीव्ड एंड HS-AT ऑक्यूपाइड बाय ट्रेन, HS-BT क्लियर, ड्रॉप्स व्हेन AT क्लियर विद ए डिले, विद ए डिले। यहाँ भी डिले की जरूरत है, रीजन कि HS-ATPR पिकअप है तो सॉरी TAR1 पिकअप है तो TAR2 पिकअप होगा, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि TAR1 पिकअप हुआ और दूसरे पिकअप होने के बीच का जो गैप है उस गैप में उसकी कांटेक्ट डिस्टर्ब होगी HS-AT, तो गिर सकता है, तो उसके लिए डिले लगा देते हैं कि जब तक हमारी TAR2 पिकअप नहीं हो जाए प्रॉपर वे में तो TAR1 गिरना नहीं चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो सर्किट में देख लेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो रिले बनाते हैं, वो जस्ट सिक्वेंसियल रिले है, तो ट्रेन अराइवल रिले TAR1, ट्रेन अराइवल रिले TAR2, ठीक है। तीसरा चीज है कार, ये जो बटन आप दबाते हैं CNR प्लस बेल यानी BNR, तो CNR और BNR को जब आप प्रेस करिएगा ना, उसके बाद इसको एक चीज और चाहिए, कैंसिलेशन, जिसमें हमारा रिले पिकअप होता है TCFCR, TCFCR ट्रेन कमिंग फ्रॉम कैंसिलेशन रिले की पिकअप कांटेक्ट के साथ में CNR और BNR की अगर पिकअप कांटेक्ट मिल गया तो आप एक की एक सर्किट रन करेगी और वो सर्किट रन करने के बाद जो रिले पिकअप होगा दिस इज द CAR, कैंसिलेशन रिले। कैंसिलेशन रिले की जरूरत कब पड़ेगी, मैंने आपको बताया था कि जब आपने लाइन क्लियर ले लिया है और किसी कारण से या तो ट्रेन नहीं भेजना है या लिए हुए लाइन क्लियर को कैंसिलेशन करना है या फिर कोई गाड़ी आपकी आ रही थी और ये TAR1 TAR2 नहीं हुआ, बहुत बार होती है ना मिसमैच हो जाती है, ये HS-AT HS-BT की जो सर्किट है ये मिसमैच हो जाती है, तो TAR1 TAR2 हुआ नहीं, ट्रेन अराइवल बजा नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जब तक सिग्नल वाला नहीं आएगा ब्लॉक फंसा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो TCFR रिले है लैच रिले इसको ड्रॉप कराने का हमको एक इमरजेंसी पाथ देना पड़ता है, उसमें कार का पिकअप कॉन्टेक्ट को लेके जाते हैं कि कार अगर पिकअप है TAR2 नहीं भी हुआ तो हम कैंसिलेशन करें, बट ईच एंड एवरी कैंसिलेशन के लिए 120 सेकेंड की डिले सर्किट लगा देते हैं, डिले सर्किट विथ ए काउंटर कि हमने कैंसिलेशन करके लाइन क्लियर कैंसिल किया है, तो दिस इज द कार। और बाकी सर्किट हम लोग जब सर्किट के समय होंगे प्रॉपर देख लेंगे, ये कब पिकअप होगा, पिकअप एट ट्रेन रिसीविंग स्टेशन ऑन इनिशिएशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोवाइडेड ऑल कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू एडवांस स्टार्टर एंड रिसेप्शन सिग्नल्स इन सिग्नल कंट्रोल्ड बाय देम आर नॉर्मल एट बोथ स्टेशन। कैंसिलेशन करने के पहले जितने कंट्रोल आपके हैं होम सिग्नल एडवांस स्टार्टर आपके स्टेशन के और पिछले स्टेशन का वो नॉर्मल होना है, उसके बाद आप कैंसिलेशन का प्रयोग करके 120 सेकेंड बाद आप सिस्टम को नॉर्मल कर सकते हैं। और जैसे ही कैंसिलेशन प्रक्रिया शुरू होगी यानी टाइमर आपका सर्किट चालू होगा, दैट टाइम ऑल्सो एक फीड 24 वोल्ट का FR1 FR2 में चला जाएगा और ये रिले पिकअप ड्रॉप होते रहेगा, उतने समय तक आपकी जो TCF की ग्रीन इंडिकेशन थी वो रिसीविंग स्टेशन पे फ्लैशिंग करता रहेगा और TGT की जो रेड इंडिकेशन है
वो ट्रेन सेंडिंग स्टेशन पे फ्लैशिंग करता रहेगा। ये फ्लैशिंग इंडिकेशंस ये बताता है कि आपकी ट्रेन कमिंग और ट्रेन गोइंग की जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, यानी कैंसिलेशन सर्किट चालू है, कार पिकअप है। जब तक कार पिकअप है, हम लोग सर्किट में देखते हैं कि जब तक आपकी कार पिकअप है तब तक आप ना तो अगेन टीसीएफआर पिकअप करा सकते हैं, ठीक है, ना ही आपकी इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल हो सकती है। तो कार ईच एंड एवरी नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कार को ड्रॉप रहना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इंटरफेस सर्किट में वहां पे देखते हैं। एक रिले है जी, कोई कुछ बोल रहे हैं लगता है। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, सवाल किन्हीं का कुछ है? अच्छा नहीं है, ओके। एक रिले है बीटीएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट रिले है। बीटीएसआर का मेन काम अगर एक तरह से समझिए तो स्टिक रिले वाली है, जिसका काम ये है कि वन ऑपरेशन फॉर वन ट्रेन। आपने एक बार लाइन क्लियर लिया तो एक गाड़ी भेजने का फुल ऑपरेशन होना है, उसको ये बीटीएसआर मॉनिटर करता है एक तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लॉक ट्रैक स्टिक रिले। नॉर्मली जिसकी कंट्रोलिंग रिले है ना वो एजेड टीआर है। एजेड टीआर किसको बोलते हैं? एजेड टीआर बोलते हैं जो आपके स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का ब्लॉक सेक्शन है, इसमें जो एलबीसीडी लगी हुई है, जो एक्सल काउंटर लगी हुई है, जब तक एक्सल काउंटर पिकअप रहेगा, एजेड पिकअप रहेगा, आपकी बीटीएसआर नॉर्मली पिकअप रिले है, नॉर्मली पिकअप रहेगी। वंस आपने टीसीएफआर कर लिया, टीजीटी कर लिया, गाड़ी को एक स्टेशन से भेजना शुरू किया, जैसे ही एक्सल काउंटर हीट करेगा आपकी बीटीएसआर ड्रॉप कर जाएगी। एक्सल काउंटर जब तक ड्रॉप रहेगा बीटीएसआर ड्रॉप रहेगा, जब तक बीटीएसआर ड्रॉप रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, मतलब आप कुछ नया वर्क उसमें कर नहीं सकते हैं। बीटीएसआर फिर पिकअप कब होगा? इनकी लगती है गड़बड़ हो गई है कुछ इनका। हाँ, जब तक आपका बीटीएसआर पिकअप रहेगा तब तक ही आपके सिस्टम नॉर्मल में रहेंगे, बीटीएसआर ड्रॉप यानी सिस्टम आपके अंडर यूज्ड कंडीशन में है, अंडर वर्किंग कंडीशन में है, उसके सेक्शन में कोई गाड़ी है, दैट मींस ब्लॉक ट्रैक स्टिक रिले पिक्स अप व्हेन ब्लॉक स्टेशन इज लाइन क्लोज्ड एंड ब्लॉक ट्रैक इज क्लियर, ड्रॉप्स इन एनी ऑफ द अंडर मेंशन केस, एंट्री ऑफ द ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन और कैंसिलेशन। जिस दो पीरियड में आपके इक्विपमेंट अंडर वर्किंग कंडीशंस में, अंडर यूज्ड कंडीशंस में है, उन दोनों में बीटीएसआर ड्रॉप रहेगा। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस बीटीएसआर अगेन पिकअप होगी और इक्विपमेंट नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दैट इज द सिचुएशंस, ठीक है। बाकी सर्किट भी देखेंगे हम लोग। इसका काम अगर आप सिंपल वे में समझिए तो एक ऑपरेशन में एक ट्रेन को पास कराना है, और आफ्टर दैट जब तक सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बीटीएसआर अगेन पिकअप नहीं होने देना है। तो आइदर कैंसिलेशन का वो प्रोसेस हो या फिर कोई ट्रेन आप चला रहे हैं नॉर्मल मूवमेंट में। नेक्स्ट एजेड टीआर, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में एजेड टीआर एसएन होती है, और अगर डबल लाइन है तो एजेड टीआर डिपार्चर होगा और एजेड टीआर अराइवल होगा या रिसीविंग होगा, ठीक है, आने वाली। एजेड टी आर आर, एजेड टी आर डी, बहुत जगह एजेड टी आर ए, एजेड टी आर डी लिखती है, यानी सिंगल लाइन में क्या है कि एक ही लाइन में आपका ट्रेन इधर से भी जा रही है, इसी में आ रही है, तो सिंगल एक्सल काउंटर है, तो एजेड टी आर सिंगल लाइन हो गई। और डबल लाइन में एक है अराइवल और एक है गाड़ी डिपार्चर करने के लिए, तो ट्रेन रिसीव और ट्रेन डिपार्चर, तो दो जरूरत पड़ती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा रिले आपके जो यूएफएसबीआई है डबल लाइन वाले में दो एजेड टीआर रिले रहेंगे अकॉर्डिंग टू गियर, और सिग्नल में एक रहेंगे। फंक्शन सेम है, आपके ब्लॉक सेक्शन में जो ट्रेन है या नहीं है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की जो ब्लॉक सेक्शन है ये ऑक्यूपाइड है या हेलो सर, क्लियर है। यस, ओके,
जो टार वन टार टू है सर, जी टार वन से बजर को बजवाया जाता है अराइवल बजर को या टार टार टू टू से? टार टू टार टू बजर बजने का मतलब हुआ कि गाड़ी आपकी घुस गई, मतलब कंप्लीट हो गई। बजर बज गया यानी कि इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होना है। टार टू पिकअप होगी तभी आपका इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होगा, और इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल अराइवल बजर तब बजेगा जब टार टू पिकअप होगा। बट टार टू पिकअप हुआ, बजर बजा, इसका मतलब नहीं कि इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होगा। इसके साथ एक और कंट्रोलिंग है, स्टेशन इन रेयर, जो गाड़ी भेजी थी उनका एडवांस कैंसिल हो गया, उसको एडवांस कैंसिल भी उसके साथ करना है। बजर आपके दो हैं, एक ट्रेन अराइवल बजर और दूसरा बाकी जो और एक्नॉलेज बजर है, जैसे कभी गाड़ी घुसा, एंट्री किया, टीएस जला, तो बजर बजेगा। ठीक है, तो ये वाला तो बजर होगा ना सर, ये तो सीसीआईपी में लगा तो इंडिकेशन जी है ना पैनल पे। हाँ, ये बजर जो है टार टू ये से जो आपके स्पीकर, मिलता है आपका जो पैनल है, पैनल के अंदर देखिएगा ऐसे स्पीकर लगा रहता है 4 वाट या 9 वाट का, जी सिंपल और कुछ नहीं है। वो इसमें 24 वोल्ट जी डालते हैं, बजर बजता है। एक कार्ड छोटा सा पीसीबी है पीछे में, उस मतलब पीसीबी से वो कहने का मतलब है वो टार टू के पिकअप पिकअप कांटेक्ट, कांटेक्ट से, और पिकअप जब हम बजर कांटेक्ट, दबाते हैं तो वो टार टू उससे ड्रॉप होती है। हाँ, टार टू के पिकअप कांटेक्ट से बजर बजता। हाँ, ठीक है, फिर आपके भैया एक्नॉलेज जब से बजर को सर प्रेस किया हमने, अराइवल क्या बोले, एक्नॉलेज ब्रदर को जी स्टेशन मास्टर पैनल पे प्रेस कर दिया सर। बटन दबा दिया तो फिर वो टार टू को ड्रॉप नहीं कराता है। जी एक्नॉलेज सर। बटन दबने से टार टू ड्रॉप नहीं होती है, उसकी एक्नॉलेज सर्किट है। देखिए अच्छा आपके आपके जितने भी इंडिकेशन सर्किट है ना, इंडिकेशन सर्किट में दो सर्किट है, ऐसे जब सर्किट में जाएंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे वो चीज। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके जितने भी इंडिकेशन सर्किट है वो दो है, एक ऑडियो है और एक विजुअल है। ठीक है, विजुअल सर्किट क्या है कि जब तक सिक्वेंस सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती है वो दिखते रहना है। ऑडियो क्या है कि स्टेशन, मान लिया जाए अब उसकी कंट्रोल पिछले स्टेशन के पास, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ही आप आइए, गाड़ी आपके यहाँ होम सिग्नल को हिट किया, टार टू पिकअप हुआ और गाड़ी प्लेटफार्म तक आ गई, टार टू जैसे ही पिकअप होगा बजर बजना शुरू होगा, इंडिकेशन फ्लैशिंग कर रहा है। तो ये बजर और इक्विपमेंट तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक स्टेशन इन रेयर अपनी एडवांस को कैंसिल नहीं करता है। तो अब अगर ये लेट से कैंसिल कर रहा है मान लीजिए, तो तब तक क्या ये बैठ के हल्ला सुनते रहेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि ईच एंड एवरी इक्विपमेंट में बजर इंडिकेशन के साथ में बजर को म्यूट करने के लिए एक सर्किट बना देते हैं। उस सर्किट से टार टू ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन हाँ बजर की जो 24 वोल्ट जाने का सर्किट हम टार टू के पिकअप कॉन्टेक्ट से बनाए थे, इसको हम लोग म्यूट करने का एक फैसिलिटी उसमें डाल देते। जब बजर जब आइएगा ये रिले ड्रॉप कर जाएगा। तो एक बीपीएससी में क्या है कि बजर के साथ में उसकी छोटी सी कार्ड में ही सिस्टम रहती है, 24 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा आपका, टार टू टार ड्रॉप टू नहीं होगा। कैसे, टार टू ड्रॉप कब होता है सर कैसे? टार टू ड्रॉप आपका तब होगा जब आपकी गाड़ी फुल्ली आ गई, गाड़ी फुल्ली आ जाने से टार टू के पिकअप कॉन्टेक्ट, एक सेकेंड, आपका टार टू का पिकअप कांटेक्ट और जो गाड़ी आ रही थी तो उसमें दो रिले होते हैं, टीजीटी एक्सआर और शायद टीसीएफ एक्सआर, इन दोनों के बैक कांटेक्ट इसके थ्रू मिलेंगे, तो टीसीएफ आर वाई जो रिलीज कॉइल है इसको फीट जाएगा और ये रिलीज कॉइल के साथ टीसीएफ आर बंद होगा। ठीक है, तो ये जैसे टीसीएफ आर वाई कॉइल में जाके टीसीएफ आर ड्रॉप होगा, साथ साथ में टार टू भी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, और दूसरा पाथ कैंसिलेशन पाथ, तो कैंसिले ये टीसीएफआर को ड्रॉप करने का, टीसीएफआर वाई में फिट जाने का, ये दो पाथ बनते हैं, एक टार्टू के थ्रू एक कैंसिलेशन के पाथ के थ्रू। तो जब आपकी गाड़ी आ गई, टीसीएफआर वाई जैसे ही ड्रॉप करेगा उसके साथ में टार्टू भी ड्रॉप कर जाएगा, और टार्टू को पिकअप होने के लिए आपकी रिले होती है बीटीएसआर, बीटीएसआर का ड्रॉप कॉन्टेक्ट चाहिए। तो अब क्या है कि जब गाड़ी आ गई, आपकी गाड़ी आ गई, गाड़ी आने के साथ में एजेड टीआर के पिकअप कांटेक्ट से आपकी बीटीएसआर पिकअप रहती है, बीटीएसआर पिकअप है यानी कि एजेड टीआर पिकअप है। जब गाड़ी आपकी आ रही थी, सेक्शन ड्रॉप हुआ था तो एजेड टीआर ड्रॉप कंडीशन में था, टार टू पिकअप हो गया, और टार टू के पिकअप करने के रिले के कांटेक्ट में हम यहां पे लेते हैं बीटीएसआर का ड्रॉप कांटेक्ट। तो बीटीएसआर ड्रॉप है तो टार टू मेरा पिकअप है,
वंस बीटीएसआर इज पिक्ड अप, तो बीटीएसआर कब पिकअप होगा कि लाइन क्लोज्ड एंड ब्लॉक ट्रैक ड्रॉप्स एंड पिकअप एंट्री ऑफ द ट्रेन इन ब्लॉक स्टेशन एंड कैंसिलेशन. क्या गया? ड्रॉप्स ऑफ एनी ऑफ द पिकअप्स व्हेन द ब्लॉक स्टेटस इज लाइन क्लोज्ड एंड ब्लॉक ट्रैक इज क्लियर. जब आपके ब्लॉक ट्रैक क्लियर है और ब्लॉक स्टेटस इन लाइन क्लोज्ड में है, बीटीएसआर पिकअप रहता है. तो इसके पिकअप करने के लिए इसका पिछला स्टेशन जो एडवांस है वो जैसे ही क्लियर करेगा तो बीटीएसआर आपका पिकअप हो जाएगा. एज ए टीआर पिकअप के बाद बीटीएसआर पिकअप होने से ही आपकी टार टू ड्रॉप कर जाएगी. ऐसे